तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो, तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए तीन चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें, वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, आप पूर्णता हो, आपकी पूर्णता सभी को मिले। सभी अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें। इस पूर्णता को महसूस करके लोग ऐसे आनंद में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले। यही पूर्णता की खासियत है। सभी बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न महसूस करें, बुरे न बने, बल्कि पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा कहें, पूरा सोचें, पूरा महसूस करें और पूर्ण बने। पूर्णता से हर काम पूर्ण होता है, समय पर होता है। बुरा मत सुनो, लोग सुनते हैं मगर पूरा सुनो नहीं सुनते हैं। तो पूरा ज्ञान हर मनुष्य को मिले, सारे मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें।
हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में ऐसी कृपा भर दो ताकि सारे जीव पूर्णता को प्राप्त करें, पूरा सुने, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें, ताकि हर बीमारी से मुक्त हो सकें, अधूरी सोच से, अधूरे ज्ञान से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं। कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा न माने, पूरा जाने, बुरा न माने, पूरा जाने, पूरा महसूस करें। जो इमोशन शरीर पर आते हैं वे अकायम हैं, वे कुछ पल रहते हैं और विलीन होते हैं, उन्हें जानते रहें, पलायन न करें, पूरा महसूस करें ताकि वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दब न जाएं। कई इमोशंस, भावनाओं की परतें, लेयर्स इंसान के अंदर दबे पड़े हैं, हर लेयर से मुक्ति मिले। सभी को हर नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को ये समझ मिले कि वह आंशिक सत्य न देखे, पूर्ण सत्य देखे, पूर्ण सच्चाई देखे, बुराई की भी जो अच्छाई है उस अच्छाई को जानकर बुराई से नफरत नहीं बल्कि क्षमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं, लोग गलत नहीं, अलग हैं, उन्हें स्वीकार करें। सभी एक दूसरे को स्वीकार करके मिलजुल कर आपस में रहें। पृथ्वी से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं जो बुराई के पक्ष में हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती हैं। लोग डरों से बाहर आ जाए, खुलकर खिलकर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाए, पूर्णता का आनंद सबको मिले, सबको मिले। न अच्छा बनना है, न बुरा बनना है, पूरा बनना है, तेज सफल हर मनुष्य बने, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके पृथ्वी से जाए, स्वस्थ रहकर जाए। संतुष्टि से जाए, अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें।
अंत में तपर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो, हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ प्रार्थना समाप्त करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें, सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। पहले कैसे जी रहे थे, वो किस तरह का था, अलग अलग रिस्पॉन्स आपको बताएंगे कि पहला तरीका जीने का क्या है, जिसमें लोग कैसा प्रतिसाद व्यवहार करते हैं। प्रतिसाद ही बताता है ये इंसान कौन से तरीके से जी रहा है। अलग अलग लोग आपको मिलेंगे, तब तुरंत जान जाओगे कि तीन लोगों में से ये किस कैटेगरी में आता है। तीन कैटेगरीज यानी छोटी उंगली, दूसरी जो है अनामिका, और तीसरी मिडिल फिंगर जो है मध्यमा। इन तीन में से वो किस तरह जी रहा, चौथा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा तरीका भी जानेंगे, मगर उसके पहले जानेंगे तीन तरीके क्या है। जहां हमें अग्र प्रतिसाद देना है वहां नम्र प्रतिसाद दिया जाता है, जहां नम्र प्रतिसाद देना है वहां अग्र प्रतिसाद दिया जाता है, जहां सब्र प्रतिसाद देना चाहिए वहां उग्र प्रतिसाद आ जाता है, जहां उग्र देना चाहिए वहां सब्र प्रतिसाद आ जाता है। तो सब गड़बड़ हो गई, पुश की जगह पे पुल, पुल की जगह पर पुश। अब ये शब्द जो आपको कहे आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे, अग्र प्रतिसाद क्या है और नम्र प्रतिसाद क्या है, सब्र प्रतिसाद क्या है, उग्र प्रतिसाद क्या है। तो दरवाजे पर गलती से पुश की जगह पर पुल हुआ, अग्र की जगह पर नम्र हुआ कि खड्डा खुल गया और आप अंदर गिरे। वो जो इंसान पिकनिक के लिए गया था, खड्डा खुल जाने की वजह से उसमें आगरा, आगरा में जो ताजमहल है वैसा ताजमहल नहीं था, यह है शीशे का। ये दुनिया का प्रतीक है, दुनिया का जो ताजमहल है ये लोग देखने आए हैं। और देखो एक एक दिन मूल्यवान है, एक एक दिन बीता जा रहा है, खड्डे से निकलने में समय लगता है, और कई बार खड्डे से निकलकर लोग वही गलती वापस करते फिर खड्डे में। अरे एक ही दरवाजे पर इतना समय लगाओ कि कितने और दरवाजे हैं अंदर, और हर दरवाजे का मैकेनिज्म अलग है, ऐसा नहीं सब में पुश तो सब में पुश करते जाओ, यही तो गलती होती है। इंसान एक जगह पर पुश किया, दरवाजा खुल गया तो नेक्स्ट पुश ही करता है, यह अनुमान उसका लग जाता है कि अभी सभी दरवाजे ऐसे ही खुलेंगे, मगर गलती हो जाती, खड्डे में गिरता है। ठीक है गलती हो जाए, मगर बार बार एक खड्डे में मत गिरो, बार बार एक खड्डे में न गिरा, यानी बार बार सेम गलती न की जाए, गिरने के साथ तुरंत याद किया जाए क्या गलती की, पुश किया कि पुल किया। क्योंकि पुश और पुल करते वक्त अगर आपका ध्यान कहीं और होगा तो ये याद भी नहीं होगा कि मैंने पुश किया था कि पुल किया था, तब जीने का अंदाज बदल जाएगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। स्व स्वभाव बैठक ध्यान शिविर, मन बुद्धि बिठाओ ध्यान शिविर, कीप क्वाइट
बी साइलेंट मेडिटेशन रिट्रीट होने जा रहा है शनिवार 30 जुलाई 2022 सुबह 6 बजे से 9:30 और पुनः प्रसारण रविवार 31 जुलाई 2022 दोपहर 1 से 4:30। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। हैप्पी थॉट्स संगठन निरंतर उच्चतम समाज के विकास में योगदान देता आया है। प्रस्तुत ऐप उसी का एक आधुनिक माध्यम है जिसकी कई विशेषताएं हैं। इसका उद्देश्य है सेल्फ लर्निंग एंड डेवलपमेंट अर्थात स्व अध्ययन एवं विकास, जिसमें अपने आप को विकसित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम तथा मार्गदर्शक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। अपने समय के उपलब्धि अनुसार आप इनमें से किसी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं तथा अपने विकास का अवलोकन भी कर सकते हैं। शुल्क भुगतान के लिए अनेकों विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं और GST रिसीट भी दी जाएगी। इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कई सारे साइनिंग विकल्प हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, फेसबुक, आउटलुक इत्यादि। आपको तेज ज्ञान में चलने वाले विविध कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों की अद्यतन जानकारी यहां प्राप्त हो सकती है। जिस कार्यक्रम के लिए आपने अपना नाम दाखिल किया हो उसके नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे। इसके साथ ही डेली कोट्स, लेटेस्ट विजडम मैसेज तथा प्रतिदिन प्रार्थना भी प्राप्त करें। अपनी मूलभूत जानकारी तथा अपनी फोटो के साथ आप अपने प्रोफाइल में परिवर्तन ला सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करते हुए यदि कोई समस्या हो तो नीचे दी गई लिंक पर आप उसके बारे में लिख सकते हैं ताकि हम उस समस्या का समाधान कर इस ऐप को और बेहतरीन बना सकें।